हम सीरियस मैटर है सर, मर जाएगी तब आएंगे सर। क्या फोन लीजिए से बात हुई है तुम्हारी? जी हाँ, क्या बोले? वो बोले 1 घंटा पहले ही हम डिलीट कर रहे हैं, अभी तक डिलीट कर नहीं है। नहीं है सर, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूँ मीर जलालुद्दीन। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये है मोहनिया का अनुमंडल अस्पताल और जीटी रोड पे NH2 पे रहने की वजह से आए दिन यहाँ पे मरीज आते रहते हैं और काफी संख्या में मरीज आते हैं। इस उम्मीद से कि यहाँ पे इलाज होगा और इलाज होने के बाद वो ठीक होकर अपने घर जाएंगे। लेकिन विडम्बना बिहार की बात की जाए तो बिहार की एक सबसे बड़ी विडम्बना अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि सरकार बदल गई लेकिन डॉक्टरों की रवैया नहीं बदला। अभी जिस जगह मौजूद हूँ ये है ट्रामा सेंटर बोर्ड, आप देख रहे हैं मेरे पीछे में, ये ट्रामा सेंटर का बोर्ड तो लग चुका है लेकिन डॉक्टर नदारद हैं। अभी यहाँ पे लगभग दो बजे एक पेशेंट, एक लड़का अपने माँ को लेके आता है इलाज के लिए लेकिन डॉक्टर के अभाव में उसको देखने वाला कोई नहीं रहता है और 4 बजने वाले हैं, अभी तक से उसको देखने के लिए कोई नहीं आया। मजबूरी में उनका जान बचाने के लिए यहाँ से ऑटो पे लेकर वो किसी और अस्पताल में गया है। सबसे बड़ी बात बताते हैं इस मोहनिया अनुमंडल अस्पताल की, तो यहाँ एम्बुलेंस की भी सुविधा इस टाइम में मौजूद नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है जिससे उसकी इलाज भी किया जा सके और उसका रेफर किया जा सके कहीं और बेटर इलाज के लिए या पहले प्राइमरी चेक किया जाए। ट्रामा सेंटर लिख देने से ट्रामा सेंटर नहीं हो जाता है। डॉक्टरों का जो रवैया है वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि क्यों। अब सबसे बड़ी बात बताते हैं कि अगर सारे विभाग से कोई थक हार कर अगर कहीं जाता है तो जिला अधिकारी जो आला अधिकारी होते हैं उनके पास फोन करता है और वो कैमूर जिला के जिला अधिकारी के फोन करने के बाद भी लगभग 2 घंटे तक डॉक्टर यहाँ नहीं मौजूद है, यहाँ नहीं आते हैं। जो मरीज है, जो उसका गार्जियन था, जो उनका लड़का था मरीज का, वो DM साहब से 2 बार गुजारिश करता है, आग्रह करता है कि सर डॉक्टर को भेजिए, मेरी माँ का बहुत सीरियस है, वो मर जाएगी, मैं बहुत गरीब है, प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते हैं। इसके बाद भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं। 2 घंटा इंतजार करने के बाद वो ऑटो लाता है और ऑटो में चूंकि एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं है, ऑटो को लेकर और वो जाता है किसी प्राइवेट अस्पताल में या फिर जहां मर्जी वो वहां के लिए। इसी बीच में उसके साथ कुछ अप्रिय घटना भी उसके माँ के साथ घट सकता है। तो इतना लचर जो व्यवस्था अनुमंडल अस्पताल मोहनिया का हम देखने को मिला है अभी कि 2 घंटा मरीज तड़प रहा था लेकिन देखने वाला कोई नहीं रहा। अब देखना है कि जब जिला अधिकारी की भी अगर डॉक्टर नहीं सुनते, जिला अधिकारी के बात करने के बाद भी अगर न्याय और इलाज नहीं हो पाता है तो इस ट्रामा सेंटर में आखिर इलाज होगा, किसका होगा और कौन करेगा, ये अपने आप में इस सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल है। अब देखने की ये जरूरत है कि 2 घंटे तक डॉक्टर नहीं रहे हैं, अब कई घंटे डॉक्टर नहीं आते हैं, चूंकि 2 बजे के बाद ही यहाँ पे डॉक्टर के लिए ये ट्रामा सेंटर ये अस्पताल इंतजार कर रहा है कि आके सुविधा मिलेगा। इस बीच में कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो मरना निश्चित है चूंकि उसे देखने वाला कोई नहीं है। तो ये कैमूर जिला के लिए अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है कि जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और DM भी अगर फरियादी की फरियाद नहीं सुन रहे हैं तो अगला जो मरीज है चाहे जो है परिजन है वो जाएंगे कहाँ, ये अपने आप में एक सवाल है। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से वो मरीज है DM साहब को फोन कर रहा है और डॉक्टर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और रोता हुआ यहाँ से लेके वो दूसरी जगह गया है। इस वक्त अपने सहयोगी शुक्ला के साथ मैं मीर जलालुद्दीन, मीडिया दर्शन। हम लोगों को 1.5 घंटा हो गया आने में, हम सीरियस मैटर है सर, मर जाएगी तब आएंगे सर। क्या दिए फोन देख लीजिए ATM साहब के, हम लोग गरीब इतनी कहाँ जाए, कहाँ फोन लगाए थे आप? DM साहब क्या बोले? DM साहब बोले कि जा रहे हैं 1 घंटा से वो पूजा कर रहे हैं हम लोग, अब मरीज एकदम छपता रही है। अभी फोन किए तो अभी क्या कर रहे हैं? दोबारा बोल रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, कर दिए हैं। फिर अपने से फोन काट दिए। कब से आए हैं आप यहाँ पे? हमारा 2 घंटा हो गया। क्या नाम है आपका? मुकेश। मम्मी को लेके आए अपना? जी। कहाँ से आए हैं? लोहबारी से। लेके जा रहे हो? ले जा रहे हैं हम क्लास में भगवत लिए, 3 लोग भी एम्बुलेंस नहीं कर रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है तुम्हें? नहीं, हम लोग गरीब इतनी कहाँ से इतना भाड़ा दे। डॉक्टर नहीं आ पाया अभी तक से? अभी तक ले नहीं आ पाए। अच्छा, तो ये कितने देर से हुआ तुमको आए हुए यहाँ पे? 2 घंटा हो गया सर। DM से भी, कैमूर DM से भी बात हुई है तुम्हारी? जी हाँ। क्या बोले? वो
वो बोले डेढ़ घंटा पहले ही कि हम वीजा कर रहे हैं, अभी तक लेटर कर नहीं है। नहीं आए हैं? तबीयत ज्यादा खराब है, कहाँ से आए हो? हम लोहबारी से आए हैं। तो इंतजार करते हुए डॉक्टर नहीं आया, तब लेके जा रहे हो यहाँ से? जा रहे हैं, अब क्या करें, हम गरीब हैं। क्या नाम है? अभी कौन जगह पे तुम आए थे? हम मोहनिया में आए हैं, सरकारी हॉस्पिटल। ठीक,